नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सागर देश में। इस वक्त हम आए हैं बालापुर अपर प्राइमरी स्कूल। तो यहाँ पे आज हम आए हैं और यहाँ के जो स्कूल है उसको हमने देखा। तो यहाँ पे जो बम्बू से पूरा स्कूल को बनाया गया और एक ही क्लास, और यहाँ के जो सार को कहना है, ये कहना है कि यहाँ का जो स्कूल को जो प्रॉपर एक वॉल नहीं है क्लासरूम में, और यहाँ पे जो पढ़ाया जाता है तो एक दूसरे क्लास को, क्लास वन को पहले या तो क्लास टू को पढ़ाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर वॉल नहीं है तो एक दूसरे का जो पढ़ाने वाला बॉयज जो है एक दूसरे के क्लास में आता है। तो चलिए हम देखते हैं ये रिपोर्ट को। तो आप लोगों को जो सार जो पढ़ाता है तो वहाँ में भी पढ़ाता है, ऐसा कुछ कंफ्यूजन हो जाता है जो पढ़ने में क्या बोल रहे हैं सर, होता है? पढ़ने में तो किस तरह से आप बच्चों को पढ़ाते हैं? क्योंकि यहाँ बच्चा ये साइड में होने से ना, तो यहाँ पढ़ाने से उसको फिर बाहर में उसको खेलने देते हैं, फिर इसका बाद फिर इसका पढ़ाने का बाद फिर उस पर लिखी वहाँ पर इतना आवाज़ होता है। दूसरा साइड से भी प्रोटेक्शन वाले कोई, मतलब आप एक को एक करके पढ़ाता है, जैसे कि क्लास वन को होने से क्लास टू को बाहर ऐसे पढ़ा रहा है। यहाँ में कुछ टीचर पदर तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा तो कम है ही है, फिर भी मेरा पदर थोड़ा दूर में है, यहाँ टीचर लोग दोस्त लोग यहाँ में है ना, तो वहाँ में अकेला भी है, इसलिए यहाँ में होने से अच्छा था। वही हम भी सोच। सर आपका नाम बता दीजिए सबसे पहले। मेरा नाम राव कारा जाजा। अभी ये स्कूल का जो कंडीशन है ये काफ़ी ख़राब है, तो कितना क्लास तक है यहाँ पे? मेरा यहाँ क्लास वन से लेके एट तक है, फिलहाल अभी क्लास सिक्स तक है। तो आपका क्लास में एक एक्चुअली क्लासरूम तो बिल्डिंग का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अभी बम्बू से बनाया गया है, तो एक दूसरे क्लास का जो बॉयज होता है वो एक क्लास में चला जाता है। हाँ। तो ऐसे में बच्चा कैसे पढ़ेगा, क्योंकि कंफ्यूजन होगा कि आप क्या पढ़ा रहा है फिर वो क्लास में क्या पढ़ा रहा है। मेरा यहाँ पे स्कूल तो अभी तो क्लास तो ज़बरदस्ती चल रहा है, तो उस तरफ से ये क्लास एक टीचर जब पढ़ाएगा तो दूसरा क्लास में बहुत डिस्टर्ब पड़ जाता है, क्योंकि इको सिस्टम से साउंड आ जाता है ना, तो इसमें फिर भी हम लोग एडजस्टमेंट करके पढ़ा लेता है। एक क्लासरूम में जोरदार आवाज़ देने से दूसरा क्लास में थोड़ा नॉर्मलता से अब हम लोग पढ़ाता है। ठीक है, हमारा यहाँ में इनरोलमेंट तो बच्चा तो ठीक ठाक है, हम लोग जब चला रहा है स्कूल ठीक ठाक चला रहा है, उसके बाद मेरा यहाँ स्टूडेंट भी बहुत है। तो सर आप लोग को जो बिल्डिंग तो वहाँ में जो कंस्ट्रक्शन किया गया बनाया कंप्लीट भी हो गया, लेकिन वो अभी तक आप लोगों को क्यों नहीं दिया टीचर के अंदर में? तो इसमें स्कूल उस तरफ में हमारा तीन तो क्लासरूम है, उसमें अभी तक मैंने कंप्लीट नहीं किया। उसमें कॉन्ट्रेक्टर का कहना है कि उसमें कुछ पैसा गवर्नमेंट से मिलना है, वो पान जब हम लोग को टोटली रिलीज कर देगा तब हम लोग को ये घर को हम लोग का स्कूल को दे देगा बोल के बोल रहा है। तो फिलहाल हम लोग लास्ट वाला एक ही रूम को हम लोग ये स्मार्ट क्लास जबरदस्ती हम लोग चला रहा है, उससे मांग के कॉन्ट्रेक्टर से मांग के, तो ऐसे चल रहा है। तो ये जो उस बनाया है, ये उसे बनाया गया, ये लोकल बनाया है शायद यहाँ का जो? हाँ, ये हमारा बस्ती का एसएमसी लोग और पब्लिक जब पेरेंट्स लोग मिल के हम लोग ये इसको ये बना दिया। हम लोग गया साल से 2023 से इसको हम लोग चला रहा है, ठीक ठाक चला रहा है। तो ये जो स्कूल का ये देख के ये एसएमसी और यहाँ के जो लोकल एमएलए और डीडीएसी को लेके कुछ डिस्कशन आप लोग ने किया है स्कूल को, ये कंडीशन ऐसा है बोल के कुछ तो रिपोर्ट आप लोग बना के दिया? हम लोग तो हर साल, मेरा हेडमास्टर जी फिलहाल सगाली में है, वो कुछ क्वेश्चन टाइपिंग मार रहा है, हमारा यहाँ पे हाफ ईयरली एग्जाम 2023 से चालू होगा, तो इसलिए उसके लिए हम लोग हर साल में रिपोर्ट दिया जाता है। तो हमारा स्कूल का हालत ऐसे है बोल के रिपोर्ट हर साल देता है। लास्ट महीना में ये भी आया था डीडीएससी? हाँ, लास्ट महीना मेरा यहाँ डीडीएससी भी विजिट करके आया है, और कुछ बोल के गया, मैं कुछ करूँगा बोल के गया, लेकिन वो कब करता है वो हम इंतजार कर रहा है। हर स्कूल में कमेंट यही करेगा कि देख देगा, लेकिन करता तो नहीं है। तो अभी ये स्कूल जो है अभी इसी तरह आप लोग पढ़ाएगा तो स्टूडेंट भी क्या पढ़ाएगा इसमें, कि कंफ्यूजन होगा क्योंकि वाल नहीं है इसमें? जी हमारा यहाँ में है वही एक प्रॉब्लम, तो हम लोग का एक क्लास डिस्टर्ब देने का कारण से हमारा यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, फिर भी हम लोग एडजस्टमेंट कर लेता है। तो इसलिए हमारा यही है
दुआ है गवर्नमेंट से और पब्लिक से भी, मेरा एसएम से भी यही रिक्वेस्ट है कि इसको अधिकता किया जाए ताकि हमारा बच्चा को हम अच्छा से पढ़ा पा सके। अभी देखिए उस तरफ में साथ देखिए, हमारा ये लास्ट वाला इस तरफ तो ऑफिस रूम है, तो उस तरफ लास्ट में दो तो रूम है, उसमें हमारा टीचर क्वार्टर नहीं होने का कारण से उसमें हम लोग ज़बरदस्ती एडजस्ट करके बैठ जाता है। दूर दूर से हम लोग टीचर आ जाता है तो आना जाना नहीं कर पाता है, दैमुख कहाँ कहाँ दूर से हम लोग आके ये यहाँ ड्यूटी करता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ में बैठ के हम लोग बच्चा को जो देना है दे पा रहा है ज़बरदस्ती। अगर हम लोग को टीचर क्वार्टर दे देता मिल जाता हम लोग यह क्लास रूम चला देता। मतलब प्रॉपर आप लोग के लिए टीचर क्वार्टर नहीं है अभी? नहीं तक, अभी तक एक भी नहीं है? नहीं भी नहीं। तो ऐसे आप लोग क्लासरूम को आप लोग टीचर क्वार्टर बना के बैठा हुआ है जी? तो ऐसे मतलब बच्चा को अलग कमरा में लेके पढ़ा रहा है जी, जो बना बम्बू से बनाया जी, जी जी।